बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने 5 महीने के बच्चे को खो देने के राज से लोगों को रूबरू कराया था। जी हाँ, दरअसल रानी मुखर्जी का मिस कैरेज हुआ था 2020 में। पैंडमिक के फर्स्ट फेज में रानी मुखर्जी ने अपना दूसरा बच्चा खो दिया था। इस राज से उन्होंने इस साल ही पर्दा उठाया। अगस्त के महीने में ये खबर चारों तरफ फैल गई थी जब अपनी फिल्म को लेकर प्रमोशन के दौरान रानी मीडिया के सामने पहुंची। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी पहुंची थी और इस मौके पर उन्होंने मिसकैरेज से सफ़र करने की सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया था। जी हाँ, रानी मुखर्जी ने ये बताया था कि किस तरह COVID-19 पेंडेमिक में उन्हें सबसे बड़ा दुख मिला था, अपने दूसरे बच्चे को उन्होंने खो दिया था। दरअसल जब उन्होंने कंसीव किया तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 5 महीने बाद प्रेगनेंसी के 5वें महीने में रानी मुखर्जी का संतान उनसे दूर चला गया, जिसके बाद वो खूब रोई थी और काफ़ी इमोशनल होकर रानी ने इस बारे में बताया। बता दें, बॉलीवुड डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद रानी मुखर्जी की एक बेटी है अधीरा चोपड़ा। अधीरा के जन्म के 7 साल बाद रानी ने दूसरे बच्चे की प्लानिंग की। रानी ने ये जब बताया लोगों को कि किस तरह से पब्लिकली अपने ज़िंदगी के दर्द भरे राज से पर्दा उठाना पड़ता है, तो आंसू ही नहीं आते, बल्कि वही पुराने दिन वही दर्द ताज़ा हो जाता है। जी हाँ, बता दें आप सबको, कई बातें शेयर करते हुए फिल्म के प्रमोशन के दौरान रानी ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों के बीच साझा किए और कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी दूसरे बच्चे से 2020 के अंत में और बदकिस्मती से मैंने अपना संतान प्रेगनेंसी के दौरान ही खो दिया था। रानी ने इसके अलावा ये बताया कि तब उनके परिवार वाले ही थे जिन्होंने उनको संभाला। निखिल अडवाणी जो कि प्रोड्यूसर हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के, उन्होंने 2020 में रानी को बुलाया था 10 दिन के अंदर, मिसकैरेज के 10 दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। निखिल ने फिर उन्हें फ़ोन किया और 10 दिन बाद बात की और कहानी सुनाई फिल्म की, और मैंने तुरंत इस फिल्म को करने का फैसला लिया, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपना संतान खोया था और मैं उस इमोशन से जूझ रही थी, बल्कि कई बार फिल्में होती हैं ऐसे समय पर कैसी कि आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में आ रही परेशानियों से जूझने के लिए ताकत देती है, और इस वक्त उनके लिए फ़िल्म करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में उन्होंने ये फ़िल्म करने का फैसला लिया। बता दें, रानी ने बताया कि नॉर्वे जैसी कंट्री में इंडियन फैमिली को किस तरह की ज़िंदगी से जूझना पड़ता है, ये राज उन्होंने इस फिल्म में खोलने के लिए एक्ट करने का फैसला जब लिया तो वो पूरी तरह से तैयार थी। कि आप सबको मालूम है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से साल 2014 में रानी की जब शादी हुई थी तो उन्हें बेबी प्लान करने में काफ़ी समय लगा था। रानी ने ये भी बताया कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में और अपनी बेटी को, इसलिए नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश में रानी हमेशा लगी रहती है। और रानी मुखर्जी ने अपने बच्चे के बारे में ये भी बताया कि वो अपने दूसरे बेबी के लिए वाकई में सालों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा इसके लिए शुरू में तैयार नहीं थे। जब वो तैयार हुए तो इस तरह के हादसे से रानी को गुजरना पड़ा।